a South Asian Canadian channel. एक बठिंडा में वॉलंटियर्स कन्वेंशन, सो कॉल्ड वॉलंटियर्स कन्वेंशन रखी. उन्होंने सोशल मीडिया पर हमारे सभी एमएलएज का करेक्टर असैसिनेशन किया. ये पंजाब के पक्ष में नहीं है. जो बठिंडा आएगा वही पंजाब के पक्ष में है. हम पंजाब के पक्ष के हैं. आज मैं ये कहने आया हूँ, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आया. लेकिन खैरा जी पंजाब नहीं है. July 26, 2018 तक, जब तक मिस्टर सुखपाल खैरा LOP थे, विपक्ष के नेता थे, तब तक पंजाब जो है वो खुद मुख्तार था. जैसे ही उनको इस पद से उतारा गया, हटाया गया, अचानक से पंजाब लावारिस हो गया. और वो मेरी वफादारी पर शक ना करें, पंजाब के प्रति मैं कितना वफादार हूँ ये मेरा दिल और मेरा रब जानता है. मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. अपने हाथों से, अपने खून पसीने से पार्टी को बनाया है. मौका प्रस्तों के हाथों में हम पार्टी को बेचने वाले नहीं हैं. आम आदमी पार्टी विच चल रहा कलेश ते चुप्पी तोड़े हुए सीनियर आगू भगवंत मान ने सुखपाल खैरा उत्ते वड्डा हमला बोलिया. चंडीगढ़ विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भगवंत मान ने कहा कि सुखपाल खैरा लई 26 जुलाई 2018 तो पहला पंजाब खुद मुख्तियार सी, पर जदों 26 जुलाई शाम नू खैरा नू विरोधी धिर दे ओहदे तो हटाए जाण दा सुनेहा आया तां पंजाब लवारस हो गया. मान ने कहा कि जिवें ही सुखपाल खैरा तो ओहदा खुसिया तां उन्हां पार्टी दे खिलाफ बोलना शुरू कर दिता. मान ने कहा कि जदों ओह बीमार सी तां उन्हां खिलाफ बयानबाजी कीती गई, जबकि मैं चुप सी, पर मेरी चुप नूं इन्हां ने मेरी कमजोरी समझ लिया. उन्हां कहा कि ओह पार्टी नूं मौका प्रस्तां दे हत्थां च पार्टी नहीं जाण देणगे. खैरा उत्ते वरदे हुए उन्होंने कहा कि खैरा तां कोठी दा अद्धा हिस्सा नहीं देख सकते हन, तां ओह पंजाब दे लई कुर्बानी किवें देणगे. प्रॉब्लम आई थी, LOP को चेंज किया गया, विपक्ष के नेता को, सुखपाल खैरा जी को. उसके बाद उन्होंने एक बठिंडा में वॉलंटियर्स कन्वेंशन, सो कॉल्ड वॉलंटियर्स कन्वेंशन रखी. उन्होंने सोशल मीडिया पर हमारे सभी MLAs का करेक्टर असैसिनेशन किया. उन पर तरह तरह के आरोप लगाए और कहा कि ये पंजाब के गदार हैं, ये पंजाब के पक्ष में नहीं हैं. जो बठिंडा आएगा वही पंजाब के पक्ष में हैं. हम पंजाब के पक्ष के हैं. आज मैं ये कहने आया हूँ, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आया. लेकिन खैरा जी पंजाब नहीं है. पंजाब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है. पंजाब 2.5 करोड़ लोगों का है. पंजाब विदेशों में बसते लाखों लोगों का है. इसका मतलब ये नहीं है जो खैरा के धड़े के साथ हैं वो पंजाबी हैं, बाकी जो पंजाब के गदार हैं. तो ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया गया, दिल्ली पंजाब, पता नहीं कुछ जंग होने वाली है. असल में ये पद की दौड़ है. 26 जुलाई 2018 तक, जब तक मिस्टर सुखपाल खैरा LOP थे, विपक्ष के नेता थे, तब तक पंजाब जो है वो खुद मुख्तार था. जैसे ही उनको इस पद से उतारा गया, हटाया गया, अचानक से पंजाब लावारिस हो गया. पंजाबियत अचानक उनके मन में जाग उठी. मैं पूछना चाहता हूं खैरा जी से, 20-25 साल वो कांग्रेस में रहे हैं, तब उन्होंने क्यों नहीं कांग्रेस के वॉलंटियर्स की कन्वेंशन की कि हमने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से खुद मुख्तारी लेनी है, पंजाब अपने फैसले कांग्रेस में आप खुद करेगा पंजाब. तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वही कांग्रेस जिसने ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशन किए, वही कांग्रेस जिसने 84 में दिल्ली में नरसंहार किया, हज़ारों सिखों को मार दिया गया. मैं उनको दंगे नहीं कहूँगा, ये नस्लकुशी थी. तब उनको उनके मन में कोई पंजाबियत नहीं उठी थी. तो अब वो जो हमारे वॉलंटियर्स को भड़का रहे हैं, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है. गुमराह कर रहे हैं. ये पार्टी लाखों लोगों की पार्टी है, किसी 1, 2, 3, 4, 5 लोगों की पार्टी नहीं है. और वो मेरी वफादारी पर शक ना करें,
पंजाब के प्रति मैं कितना वफादार हूँ ये मेरा दिल और मेरा रब जानता है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब विपक्ष का नेता बनाया गया सुखपाल खैरा जी को, तब वो फूलों का गुलदस्ता लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पे थे कि बहुत ही डेमोक्रेटिक हो तुम। जैसे हटाया गया वो डिक्टेटर बन गए। और उनके साथ हैं, उनके सलाहकार हैं या उनके मेंटर हैं, मुझे नहीं पता क्या हैं, कमर संधू जी, वो बठिंडा में भाषण दे रहे हैं कि जो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया था उनका हक छीन कर टिकटें दी गई हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं तो खरड़ जहां से वो एमएलए हैं वहां से कौन कौन से वॉलंटियर्स का हक छीना गया था। एक तो मेरे पास ही बैठे हैं नरेंद्र शेरगिल जी, हमने बहुत मनाया उनको कि सर कि किसी और कंस्टिट्यूंसी से आ जाइए, यहाँ पर लोग इनको प्यार करते हैं, इन्होंने गली गली में जाकर पार्टी को खड़ा किया है। नहीं माने, मैं तो यहीं से लड़ूंगा। अगर अपनी मर्जी की सीट से लड़ना है तो फिर खुदमुख्तारी की बात कहाँ से रह गई। तो आपने अपनी मनमर्जी तो की है, और मर्जी क्या होगी। किसी और पार्टी में ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी कहे कि मैं तो यहीं से लड़ूंगा और वहीं से उसको पार्टी लड़ा भी दे। उन्होंने पैसे के आरोप लगाए हैं कि टिकटें बेची गई हैं, बता दें वो अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं कि कहाँ पैसे दिए गए हैं, किसने पैसे लिए, उन्होंने खुद कितने पैसे देकर टिकट ली, बता दें वो। तो ये सब गुमराहकुन प्रचार चल रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ वॉलंटियर्स को कि पंजाब और दिल्ली का, ये पंजाब दिल्ली बोलकर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये हमारे यूथ के ऑब्जर्वर हैं, एमएलए हैं, और मेरे से भी पहले पार्टी में काम करते हैं, बरनाला से एमएलए हैं, ये हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। हम सब वॉलंटियर्स के पास जाएंगे, अपने हाथों से अपने खून पसीने से पार्टी को बनाया है। मौका प्रस्तों के हाथों में हम पार्टी को बेचने वाले नहीं हैं, मौका प्रस्तों के हाथों में हम पार्टी को गिरवी रखने वाले नहीं हैं। हम लोगों को, पुराने वॉलंटियर्स को जाके मनाएंगे, गिले शिकवे सुनेंगे और इस पार्टी को फिर दोबारा, विपक्ष में तो है ही, फिर दोबारा उसी धार में और उसी जोश में लाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि 2019 में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर इनको ज़्यादा कोई खुदमुख्तारी का चक्कर है तो मैं इनको ऑफ़र करता हूँ, खैरा साहब, संधू साहब, आप दोनों अपने पद को छोड़िए, आप विधायक हैं, अपनी विधायकी से इस्तीफा दीजिए, अपनी नई पार्टी बनाकर दोबारा जीत कर आइए, खुद मुख्तारी कीजिए, आपके फैसले में कोई टांग अड़ाने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह वापस कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। उत्थे ही भगवंत मान के शब्दी हमले का सुखपाल खैरा तो प्रतिक्रम लैण की कोशिश की, तो उन्होंने इस मुद्दे उत्ते कुछ भी बोलने को इनकार कर दिया। मैनू हले कुछ नहीं पता जी कि वह की हैगा वा, बट आई टेल यू वन थिंग, असी अज आम आदमी पार्टी ने अपनी एक एडहॉक इंटरम 16 मैंबरी पोलीटिकल अफेयर कमेटी अनाउंस करती है। वह कारण है कि 16 महीनों तो ना तो कोई स्टेट की एग्जैक्टिव सी, ना कोई पोलीटिकल अफेयर कमेटी सी, और ना ही कोई पिछले 4-5 महीनों तो प्रधान सी। इसलिए साड़ी पार्टी के ढांचे को ठीक करने वास्ते ये अज जिहड़ा असी कदम चुकिया लाजमी आ। मैं उन्हां दी मैंबरी जिहड़ी दित्ती आ ये उसनू अप्रवान करदा जी। A South Asian Canadian channel.